Hello students, welcome back. Welcome to Easy Biology Tutorials. And now we are going to start with the urine formation, with the procedure to deal with the urine formation. So मैंने आपको बताया था कि urine formation में हमारे basically three steps होते हैं. The first step is the glomerular filtration. The next step is the reabsorption. And the third step is the tubular secretion. फर्स्ट स्टेप है जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमारा ब्लड है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्ट्रेट हो जाता है, फिल्टर हो जाता है एंड लीविंग अप ऑल द मैक्रो मटेरियल्स, मैक्रो पार्टिकल्स बेसिकली बिहाइंड. तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है जो दैट इज हेल्पिंग इन कॉजिंग द ब्लड प्रेशर, जो कि फिल्ट्रेशन को इनिशिएट करता है. एंड इसके पास क्या होती है, थ्री लेयर्स होती है बेसिकली. द थ्री लेयर्स कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल. जो हमारी ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसल्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक एंडोथीलियम. तो वो एंडोथीलियम के थ्रू क्या करती है, एंडोथीलियम के थ्रू ब्लड जो है वो पास आउट होता है. नेक्स्ट जो है उसके अंदर बीच में, ये थर्ड में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखी हुई है, बेसमेंट बिटवीन द टू दीज टू लेयर्स, ये यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होती है बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड लेयर. एंड थर्ड लेयर हमारी कौन सी है, दैट इज द एपिथीलियम ऑफ द बोमैन कैप्सूल. बोमैन कैप्सूल इज मेड अप ऑफ सिंपल एपिथीलियम एंड उसकी वजह से क्या होता है, वो जो एपिथीलियल सेल्स होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर कर देते हैं. जैसे कि हमारी चाय चाय पुनने वाली जो पानी में से चाय निकल आती है और बाकी जो सॉलिड सब्सटेंस है वो पीछे रह जाते हैं. एपिथीलियल सेल्स आर द पोडोसाइट्स, ठीक है, ऑफ द बोमैन कैप्सूल्स एंड दे आर अरेंज्ड इन अ इंट्रिकेट मैनर. इंट्रिकेट मैनर कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं वो, कि वो सम थोड़े थोड़े स्पेसेस, मिनियट माइन्यूट स्पेसेस छोड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स और द स्लिट पोर्स. ये स्लिट पोर्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है, कि ये ब्लड को क्या करते हैं, पास करते हैं एंड स्लिट पोर्स में से जो मोटी मोटी चीजें हैं वो क्या रह जाती हैं, पीछे रह जाती हैं. देन फिल्ट्रेशन स्लेट के थ्रू क्या है, दोबारा से जो ब्लड है वो एंटर कर जाता है इनसाइड द पोडोसाइट एंड ऐसे करके ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, चलता रहता है. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में बेसिकली क्या होता है, कि थ्री लेयर्स के थ्रू हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास निकलता है एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास ऑन टू द ल्यूमेन्स ऑफ द बोमैन कैप्सूल. बोमैन कैप्सूल के ल्यूमेन में से सब कुछ पास कर जाता है एक्सेप्ट द प्लाज्मा प्रोटीन्स. ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है वो कहाँ पे रह जाते हैं, ब्लड कैपिलरी के अंदर फंसे रह जाते हैं और बाकी की चीजें हैं जो वो निकल जाती हैं. तो वो क्या, किस में आ जाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज द फिल्ट्रेट दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर पासिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द capillaries, from the glomerulus basically. Almost all constituents of blood plasma except the proteins pass on to the lumen of Bowman capsule. About 1100 to 1200 milliliter of blood is filtered out by kidneys per minute. हर एक मिनट में 1100 से 1200 milliliter जो ब्लड है वो निकलता है. It constitutes 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. 1/5 जो हमारा ब्लड है हार्ट से पंप किया जाता है वो हर एक मिनट किडनी फिल्टर करती है. तो बेसिकली हमारा जो ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स पास इनटू द ल्यूमेन्स ऑफ द बोमैन कैप्सूल एंड जो एक दिन के अंदर हमारा जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है
दैट इज 125 मिलीलीटर पर मिनट, दैट इज 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो फॉर्म होता है। एक दिन में हमारा 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक मिनट में 125 मिलीलीटर होता है एंड एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 24 इंटू 60, तो दैट इज 180 लीटर्स पर डे। यस, देन इज द रीअब्सॉर्प्शन। स्टूडेंट्स अब देखो, 180 लीटर्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस्ड डेली, बट 99% ऑफ दिस इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। सो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज्ड इज 1.5 लीटर। जो हम हर रोज 180 लीटर यूरिन एक्सक्रीट नहीं करते हैं और ना ही कर सकते हैं, क्योंकि वी आर लैंड एनिमल्स एंड लैंड पे हमें क्या सिखाया जाता है, वाटर कंजर्वेशन। हमारी फिजियोलॉजी, हर टाइप की फिजियोलॉजी हमारी इस तरीके की है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है वो कंजर्व करते हैं। फ्रॉम द फिल्ट्रेट ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सोडियम एक्सेट्रा आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली एंड द नाइट्रोजेनस वेस्टेज आर रीअब्सॉर्ब्ड पैसिवली। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन किसकी होती है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम की। ये आपको याद रखना है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मतलब लो टू हाई, और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मतलब हाई टू लो। तो नाइट्रोजेनस वेस्टेज है वो क्या करते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। एंड जो यूजफुल थिंग्स है हमारी वो क्या करती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन। वाटर की भी जो रीअब्सॉर्प्शन है दैट अकर्स पैसिवली इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में इनिशियली वाटर की रीअब्सॉर्प्शन पैसिवली होती रहती है। 180 liters of the glomerular filtrate and 99% of this is reabsorbed daily. So, ये देखो, ये हमारा glomerulus है। Glomerulus में से filtrate निकल रहा है and in this way it is passing through the nephron and finally collecting duct के अंदर, urine के अंदर वो convert हो जाता है। This is the tubular secretion basically. Tubular secretion के अंदर रीअब्सॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? सॉरी, दिस इज द सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन के अंदर हमारे सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं एंड विद दैट वाटर इज आल्सो रीअब्सॉर्ब, क्योंकि हम इतना ज्यादा वाटर एक्सक्रीट आउट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट थिंग है कि वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। First part is the PCT. PCT reabsorb most of the nutrients and 70-80% of the electrolytes and the water because they are having simple cuboidal brush border epithelium. ठीक है, ये जो brush border epithelium है इसकी वजह से जो PCT है ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर सकता है? Reabsorb कर सकता है। Next is PCT के बाद हमारा पार्ट आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, द डिसेंडिंग लिम एंड द असेंडिंग लिम। तो लूप ऑफ हेनले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो मेडुला के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है, ये आपने याद रखना है। देन इज द डिसेंडिंग लिम। डिसेंडिंग लिम इज द लिम्ब जो नीचे वाली साइड जा रही है। इट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें से पानी तो बाहर निकल सकता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर नहीं निकल सकते। एंड यहाँ से जब ब्लड चला जाएगा यहाँ तक, मतलब असेंडिंग लिम तक, तब यहाँ पे मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होती है। क्यों? क्योंकि ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है। बाहर तो पानी निकलना चाहता है लेकिन पानी बाहर निकल नहीं पाता है, तो इसीलिए थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, बिकॉज द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। बट इलेक्ट्रोलाइट्स के बाहर निकलने की वजह से जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाता है? डाइल्यूट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या हो जाता है? डाइल्यूट। डीसीटी के अंदर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस। सोडियम एंड वाटर जो है वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट जो है
वो मेड्यूला, वो कॉर्टेक्स से लेके मेड्यूला तक एक्सटेंड करती है, बहुत ही डीप जाती है। तो ये क्या करती है, बहुत सारा वाटर है जो वो रीअब्सॉर्ब कर लेती है टू फॉर्म अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इट ऑल्सो अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया इनटू मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम। मेड्यूला के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें जो यूरिया है और वाटर है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। यूरिया क्यों निकलता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही फर्स्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था दैट सम ऑफ द यूरिया इज प्रेजेंट इन द किडनी टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द किडनीज। देन इज द ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ट्यूब्यूलर सेक्रीशन इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर यूरिन फॉर्मेशन। द सेल्स ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी मेंटेन आयोनिक and acid base balance of the body fluids by selective secretion of H plus ion, K plus ion and NH3. karta kaun hai maintain? PCT and DCT karte hai tubular reabsorption ko maintain into the filtrate and reabsorption of HCO3 from it. ye kya karte hai, ye positive ions andar secrete kar dete hai nephron ke andar jo bhi fluid present hota hai, basically the filtrate. फिल्ट्रेट के अंदर ये पॉजिटिव आयन सिक्रीट कर देते हैं एंड जो नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय सिक्रीटिंग एचके एंड के प्लस आयन्स। कलेक्टिंग डक्ट भी क्या करती है, इसी तरीके से जो पीएच है एंड आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन करके रखती है ताकि हमारा जो यूरिन है वो बेसिकली हाइपरटोनिक फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजिनस वेस्टेज हो। दोबारा से देख लेते हैं, हमारे यहाँ पे वाटर ब्लड अंदर जा रहा है, ब्लड में से प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या कर गए, बाहर रह गए, ऑलरेडी बाहर रह गए। तो उसके बाद पीसीटी के अंदर सॉल्यूट्स एंड वाटर जो है वो बाहर निकल रहे हैं। डिसेंडिंग लिम के अंदर ओनली वाटर बाहर निकल रहा है, असेंडिंग लिम के अंदर ओनली सॉल्यूट बाहर निकल रहे हैं। डीसीटी के अंदर थोड़ा सा सॉल्यूट्स बाहर निकल रहे हैं एंड थोड़े से वाटर बाहर निकल रहे हैं। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी क्या है, थोड़े से सॉल्यूट बाहर निकल रहे हैं, थोड़े से वाटर बाहर निकल रहे हैं। एंड इन दिस वे दिस कलेक्टिंग डक्ट एंटर्स अप इनटू द माइनर कैलेक्स एंड देन माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स की तरफ एंटर कर जाता है। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट